मध्य प्रदेश में चल रही सियासी उठापटक के बीच जहां कमलनाथ पर सरकार गिरने के काले बादल छाए हुए हैं, तो वहीं खबरों की माने तो बेंगलुरु में ठहरे ज्योतिरादित्य सिंधिया खेमे के 10 विधायक और 2 मंत्री बीजेपी में जाने को तैयार नहीं हैं। और उनका कहना है कि वो सिंधिया के पीछे पार्टी छोड़कर आए थे, न कि बीजेपी में शामिल होने के लिए। वहीं खबरों के मुताबिक बताया जा रहा है कि मध्य प्रदेश बीजेपी में भी अंदरूनी हलचल बढ़ गई है। बीजेपी कार्यालय में नरोत्तम मिश्रा के समर्थन में नारे लगने के साथ ही अंदरूनी खींचतान शुरू हो गई। वहीं पूर्व सीएम शिवराज सिंह चौहान को लेकर भी सवाल उठ रहे हैं। आपको बता दें कि कांग्रेस को जबरदस्त झटका देते हुए पार्टी के प्रमुख युवा नेता ज्योतिरादित्य सिंधिया ने पार्टी से इस्तीफा दे दिया है। सिंधिया के साथ ही उनके समर्थक पार्टी के 22 विधायकों ने इस्तीफा दे दिया है। न्यूज डेस्क।